कार्यकाल में सपा सरकार के समय का की भर्तियां हैं। वैसे तो आप सब विज्ञ हैं कि सपा सरकार में जो भी भर्तियां हुई वो सब घोटालों के तहत ही हैं, जिन पे कि अमूमन जांच चल रही है। मैं ये खुशी से कहूंगा कि उन्नाव ने इसमें भी अगुवाई की है कि एक घोटाले को पहले जांच के द्वारा और फिर माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा उसको उजागर किया है। और ये भर्तियां 29/10/2016 को विज्ञापन निकाला गया था और 2/1/2017 को भर्ती की लिस्ट निकाली गई, जिनको की सूचना दी गई। जो अभ्यर्थी उसमें नहीं आ सके, कुछ उसमें ऐसे भी थे जो पहले से बैंक में कार्यरत थे, उन्होंने सारे तथ्यों को योगी सरकार के समझ रखा, कोर्ट में माननीय उच्च न्यायालय में रखा। तो पहले यशस्वी मुख्यमंत्री योगी जी ने जो भी जांच कराई उस जांच में वो सारे तथ्य सही पाए गए। उसके बाद माननीय उच्च न्यायालय ने भी उस पर मोहर लगा दी और उस मोहर लगाने में उच्च न्यायालय ने यह भी कहा है कि तत्कालीन अध्यक्ष के बैंक के खाते में 10 दिन के अंदर 10 लाख रुपये जमा हुए हैं और उनमें भाई भतीजावाद हुआ है। उस समय के जो प्रबंध समिति के मेंबर थे उन्होंने अपने बेटा और बेटियों की भर्ती कराई है, उसमें आरक्षण का को तरजीह नहीं दी गई है उसमें, और बहुत सारे ऐसे अनियमितताएँ बरती गई हैं कि एक ही दिन में उनके सारे डिस्पैच किए गए हैं। अगले दो दिन के बाद क्योंकि सूचना लागू हो रही थी इसलिए उसको किसी पोर्टल पर नहीं लागू किया गया, नहीं कोई सूचना दी गई, ना उस समय तो जो तत्कालीन प्रबंध समिति का बोर्ड था उससे उसका अप्रूवल लिया गया। बहुत सारी धांधलियां उसमें नजर आई जिसके तहत माननीय उच्च न्यायालय ने उनको निरस्त कर दिया। सर लगभग कितने लोग थे? 20 लोग। 20 में एक की मृत्यु हो गई, एक इस समय बैंक से पलायित है। 20 लोग हैं, सबके सबको कल नोटिस दे दी गई कि उनको माननीय उच्च न्यायालय के आदेशों मुताबिक सेवाच्युत किया जाए।